नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, संविधान और कानून। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। तीन जिलों के प्रभारी डाक अधीक्षक 30,000 की रिश्वत लेंगे रथे हाथ गिरफ्तार। लोकायुक्त टीम के कार्यवाही अटैचमेंट के नाम पर मांगे थे 60,000। जिले के हेड पोस्ट ऑफिस में पदस्थ जो कि तीन जिलों के डाक अधीक्षक हैं बीएस मालवी को रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रखे हाथ पकड़ा। 30,000 की रिश्वत लेते टीम ने पकड़ा। उन्होंने एक डाक कर्मचारी से अटैचमेंट करने के नाम पर 60,000 रुपए की मांग की थी। इसकी पहली किस्त सोमवार को दी जा रही थी। इस दौरान लोकायुक्त टीम द्वारा लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी। 8 अक्टूबर को डाक कर्मचारी ने रिश्वत की शिकायत लोकायुक्त टीम से की गई थी। इसके बाद आज यह कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें, इंद्रभान सिंह यादव अशोकनगर जिले के मुंगावली पोस्ट ऑफिस में पदस्थ हैं। वह अपना अटैचमेंट मुंगावली से अशोकनगर पोस्ट ऑफिस में करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सितंबर महीने में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद उन्हें पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस में पदस्थ डाक अधीक्षक बीएस मालवी ने बुलाया और उनसे अटैचमेंट के लिए 60,000 रुपये की डिमांड की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त से की गई। जिसके बाद रणनीति के अनुसार इंद्रभान सिंह द्वारा रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए लेकर डाक अधीक्षक को देने पहुंचे। दो किस्तों में पैसे देने की बात हुई थी। पोस्ट ऑफिस रिश्वत सरकारी आवास पर वह पैसे देने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने रिश्वत के पैसे दिए, इसी दौरान ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त 11 सदस्यों की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर कविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 8 अक्टूबर को इस मामले में शिकायत की गई थी। इसी के बाद ट्रैप कार्रवाई की पूरी प्लानिंग की गई। सोमवार को 11 सदस्यों की टीम ने छापेमारी कार्रवाई कर डाक अधीक्षक को रंगे हाथ पकड़ा। मध्य प्रदेश गुना से जिला ब्यूरो सुनील मीणा की खास रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है आपका? इंद्रभान सिंह यादव। आपके द्वारा लोकायुक्त सूचना दी गई थी, तो किस संबंध में सूचना दी गई थी? बीएस मालवीय हैं जी, गुना डाक अधीक्षक, उनके द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दी गई थी। तो कैसा क्या मामला था, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, क्या है, मैं मुंगावली पोस्ट ऑफिस में हूँ डाक सहायक के पद पर। मेरा परिवार यहाँ अशोकनगर में रहता है, मिसेज की तबीयत खराब रहती है, तो इसलिए मैंने अशोकनगर के लिए अटैचमेंट के लिए आवेदन दिया। वह आवेदन यहाँ पर आया डाक अधीक्षक, इन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आपने आवेदन दिया है, उन्होंने कहा हाँ, तो बोले आपको सब अटैचमेंट करवाना है, मैंने कहा आवेदन कर दीजिए सर। तो बोले 60,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने लोकायुक्त की शिकायत की और लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई की। क्या नाम क्या आपका? इंद्रभान सिंह यादव। जी बताएं सर, आज लोकायुक्त टीम द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? ये आवेदक हैं इंद्रभान सिंह यादव, ये डाक सहायक हैं मुगावली में पोस्ट ऑफिस में, और जो डाक अधीक्षक हैं बीएस मालवी गुना में, इनके प्रभार में तीन जिले आते हैं, अशोकनगर, गुना और शुपी। तो डाक सहायक को ने आवेदन दिया हुआ था कि वो जो है अशोकनगर हेड ऑफिस में अपना अटैचमेंट चाहता है, और उसका अटैचमेंट करने के एवज में ये 60,000 रुपये की रिश्वत उससे मांग रहे थे, जिस पे आज इनको 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इनके शासकीय आवास पर गुना में पकड़ा गया। जी, शुभ नाम सर आपका? कविंद्र सिंह चौहान, मैं इंस्पेक्टर हूँ लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।